हम प्रण लेते हैं माता, नहीं करने देंगे हम आपको जौहर। मन में कोई शंका रानी सच्चा? चीचा, आपने रानी भटियाणी को नहीं बुलाया? जहां तक रानी भटियाणी का प्रश्न है, उन्हें भी शीघ्र ही उनकी नियत व्यवस्था की सूचना दे दी जाए। आज हमने किसी सेवक को पाकशाला में नहीं आने दिया। सारा भोजन हमने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। धीर भाई जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान रखा कीजिए। किसी भी तरह का श्रम ना तो आपके लिए अच्छा है और ना ही बच्चे के लिए ठीक है। आपको अधिक से अधिक आराम करने की आवश्यकता है। राणा जी, आपके ललाट पे चिंता की लकीरें हो तो हमें आराम कैसे मिलेगा? जब तक हमारे किले के बाहर शम्स खान की छावनी की लकीर खींची रहेगी, हमारे ललाट से ये चिंता की लकीरें कैसे मिट सकती हैं? क्षमा कीजिए धीर भाई जी, इस समय भूख केवल युद्ध की है। सोते जागते बस यही सोचते रहते हैं कि किस तरह उस शम्स खान पर निर्णायक वार करेंगे। और राणा जी, कई दिनों से हमें लग रहा है कि हम आपके मन से उतर गए हैं। अब हमारे लिए आपके मन में विश्वास भी नहीं दिख रहा। कहना क्या चाहती हैं आप? हम तो सिर्फ सच कहने का प्रयास कर रहे हैं राणा जी। अब आप महत्व की बातों को हमारे साथ साझा नहीं करते। दो दिन बाद आप शम्स खान के साथ युद्ध पर जा रहे हैं, पर आपने हमें नहीं बताया। संभवत आपको लगता है कि ऐसी सामरिक महत्व की बातें सिर्फ जयवंता जीजा के साथ की जा सकती है। एक राजपूत के लिए मर्यादाओं के सम्मान से बड़ा और कोई धर्म नहीं, और मर्यादा के अनुसार प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानने का सबसे पहला हक मेवाड़ की बड़ी रानी जयवंता बाई जी का है। अरे राणा जी, आप तो बुरा मान गए। हम भी आपकी मर्यादाओं का सम्मान करते हैं। हम भी महारानी हैं आपकी, लेकिन जयवंता जीजा वो तो हमें अपनी छोटी बहन मान के सारी बातें बता सकती है ना। जो बात जब जिन्हें बतानी है हम बताते हैं बिना। जीजा आप, आज ही हमने औपचारिक रूप से सभी रानियों को बुलाकर राणा जी के युद्ध में जाने और सभी रानियों के जौहर की तैयारियां आरंभ करवाने की बात कही है। जौहर? आपने हमें क्यों नहीं बुलाया जीजा? क्योंकि आप जौहर में भाग नहीं रहेंगी। परंतु क्यों? जौहर तो राजपूत वीरांगना का अधिकार है, सौभाग्य है, फिर क्यों नहीं जीजा? आप हमसे ये अधिकार नहीं ले सकते जीजा। राणा जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? वीर भाई जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जौहर हर राजपुतानी का अधिकार है। क्षमा करे राणा जी, किंतु क्या आपने नहीं कहा था कि हमें मेवाड़ के सभी उत्तराधिकारियों और बच्चों की रक्षा करनी है? कहा था, अवश्य कहा। तो फिर हम वीर भाई जी के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे को
कैसे भूल सकते हैं? जैसे हम कुंवर प्रताप, कुंवर शक्ति और दूसरे राजपुत्रों की सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, धीर बाई जी के गर्भ की रक्षा भी हमारा धर्म है। आप हमसे जौहर का अवसर ना छीने लीजिए। राणा जी, आपके जाने के बाद क्या अर्थ रह जाएगा हमारे जीवन का? आपकी धीर बाई जीते शव के समान हो जाएगी। कैसे बिताएंगे आपके बिना ये जीवन? राणा जी, इस विषय में आपका जो निर्णय होगा वही हमारे लिए अंतिम निर्णय होगा। धीर भाई जी, आपके मन में जो हमारे लिए प्रेम, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इस समय हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे बात कीजिए। धीर भाई जी अपने इस बच्चे को जन्म दें, उसे कुंवर प्रताप का दाहिना हाथ बनाएं, मेवाड़ के भविष्य के लिए, इस अजन्मे बच्चे के भविष्य के लिए, कुंवर प्रताप के लिए आपको जीवित रहना पड़ेगा। कभी कभी देश के लिए प्राण देने से बड़ा बलिदान देश के भविष्य के लिए जीवित रहना होता है, और हम चाहते हैं कि आप ये बड़ा बलिदान दें। क्षमा कीजिए महाराज, आपसे सदा के लिए अलग होने की घटना ने हमारे सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। कुछ पल के लिए हम अपने बेटे प्रताप को भूल ही गए थे। हम इस जीवन को कर्तव्य मानकर जिएंगे, आपके आदेश को अपना धर्म मान के जिएंगे। जीवन मृत्यु से कहीं ज्यादा दुखदायक ही ना हो जाए, हम तब भी जिएंगे हमारे प्रताप के लिए और मेवाड़ के भविष्य के लिए। हम ये बलिदान देंगे। धन्यवाद धीर भाई जी, आपने हमारी बात का मान रखा। हमें एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए जाना है, हम चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। हमने उदय सिंह का दावतनामा क्यों कबूल किया? इसमें उसकी कोई चाल भी छुपी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है नायक, मगर पता तो करें कि चाल क्या है। फिर सोचो, मेवाड़ के खानदानी हथियारों का जखीरा हमारे सामने सजा होगा, और फिर उदय सिंह हमसे यह कहेगा कि जो चाहे पसंद कर ले। कैसा मंजर होगा, कितना मजा आएगा, हम तो इस ख्याल से ही मरे जा रहे हैं। एक बात आप सब लोग सुन लें और समझ लें, शम्स खान यहां राष्ट्रीय अतिथि बनकर आ रहे हैं। उनके लिए आपके मन में जो भी व्यक्तिगत भाव हो, लेकिन आज उनके साथ व्यवहार मेवाड़ के राजघराने की मर्यादा के अनुसार हो। कोई भी अतिथि के विरुद्ध जाने का अपराध ना करें। समझ गए आप लोग? गुस्ताखी के लिए मुआफी चाहता हूँ।
लेकिन अगर हम आज ही रात को उदय सिंह के किले पर हमला करके किले पर कब्जा कर ले तो वैसे भी उसकी सारी चीजें हमारी हो जाएगी, और वो हथियार जो आपको इतने पसंद है वो तो आपको यूं भी मिल जाएंगे। ना, 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 नहीं मिल पाएंगे ना, ये राजपूत जान गंवा देंगे लेकिन अपने बाप दादाओं के हथियार हमारे हाथ नहीं लगने देंगे। ये या तो हथियार गला देंगे या फिर कहीं छुपा देंगे। तुम इस कौम को समझते नहीं हो ना, राजपूत अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत से प्यार करते हैं। अगर हमें इन पे असली चोट पहुंचानी है तो हमें इनका दावतनामा मंजूर करना पड़ेगा और इनकी चाल में शामिल होना पड़ेगा। समझे ना? समझ गया हुजूर। हमें तो अभी से मजा आ रहा है ना, आज हम हथियार हासिल करेंगे और आज की रात हम हथियारों के साथ सोएंगे। कितनी मीठी नींद आएगी। क्षमा करें अन्नदाता। क्या हुआ? वो राजकुमार प्रताप। क्या हुआ राजकुमार प्रताप को? हुकुम, वो क्या? वो महाराज राजकुमार घोड़े पे मेवाड़ की पवित्र तलवार के साथ मुख्य द्वार के बाहर जा रहे हैं। क्षमा करें माता, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो बच्चों से उनकी माताओं को छीन ले। ईश्वर, प्रताप ने प्रण लिया था, अब उनको रोकना कठिन है। पर प्रताप तो खानदानी तलवार लेके जा रहे हैं। नहीं मासा, ये संभव है? वो तलवार तो कोई उठा ही नहीं सकता। नहीं को सकते, वो खानदानी तलवार है। हमारा घोड़ा लेके आइए, जल्दी जल्दी। गोर प्रताप, द्वार बंद करो। We'll be right back.
अचानक आकर बाप बेटे के बीच चलते खेल का मजा बिगाड़ दिया। इस गुस्ताखी के लिए मैं माफी चाहूंगा महाराजा उदय सिंह। वैसे खेल क्या खेल रहे थे आप? शमशान और उसके सिपाहियों से बच के कैसे भागना है? आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। चलो माफी मांगो। बेटे की मनमानी का खामियाजा बाप को भरना पड़ेगा। अब आपको मांगनी पड़ेगी माफी। कुंवर प्रताप। आज शमशान हमारे राष्ट्रीय अतिथि अतिथि सत्कार के संस्कार हमने आपको दिए हैं कुंवर प्रताप। भूलिएगा मत। एक इनाज है। कुंवर प्रताप तुरंत महाराज की बात मान ले। हम 41 दिन का फलाहारी व्रत करेंगे आपके लिए। कुंवर जी, एक राजा को युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, युद्ध क्षेत्र के बाहर भी हर पल सूझबूझ की परीक्षा देनी पड़ती है। जब आप में प्रजा की भलाई और कुशल शासन में राणा जी जितनी समझ आ जाएगी, तभी आप समझ पाएंगे कि राणा जी ने जब जब जो जो किया वो सही था या गलत। उदय सिंह जी, क्यों ना तोहफे में आप अपने इन साहेबजादे प्रताप को भी हमें दे दें। हिलना मत यहां से। आपको तो पता है कि हमें ऐसी नायाब चीजों का कितना शौक है। क्या ख्याल है आप सबका? ले ले इस छोटे से बहादुर बच्चे को उदय सिंह से। याद है ना आप सबको उस दिन दरबार में क्या तेवर दिखाए थे इसने? भाई वाह, माशाल्लाह। हुजूर, आप मांग लीजिए कुंवर जी को, महाराज उदय सिंह मना नहीं करेंगे। भाई देखिए, इन सब की भी यही ख्वाहिश है कि आप अपने साहबजादे को तोहफे में हमें दे दें। चलिए शमशान, आदर के साथ हम आपको दरबार में ले चलते हैं। दरबार में तो चलेंगे ही राणा जी, लेकिन आपके बच्चे ने हमें अपना कायल ही बना दिया। इतनी सी उम्र और ये तेवर, भाई वाह, मजा आ गया और बड़ा मजा आता है हमें। गर्म खून के घोड़ों और गर्म खून के बच्चों को सीधा करने में